गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन परसेंटेज टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है। उसी न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और कर रहे हैं। देखो, ये न्यूमेरिकल है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर के आधार कि त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। आगे बात समझ, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये करना है, देखो परसेंटेज में जो वैल्यू आपको गिवन है उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, और ये देखो ये डेटा कौन सा है आपके पास। देखो त्रिज्या बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मैं त्रिज्या के लिए लिख रहा हूँ कि त्रिज्या बढ़ा रहा है कितनी, 40% बढ़ा रहा है, ये लो ठीक है। तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या कर रहा है, घटा रहा है, 37.5% घटा रहा है, ये लो ठीक। तो उसके आयतन में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। आयतन क्या होता, आयतन होता है ये पाई आर स्क्वायर एच, बता नहीं होता ठीक है। सिलेंडर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच ठीक। अब ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो पाई है, पाई है, पाई के लिए वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, कितनी होती है, 3.14 ठीक है। आर आपको बढ़ा रहा है कितनी, 40% बढ़ा रहा है, एच इतने परसेंट घटा रहा है। आगे बात समझ रहे, अब यहाँ पर देखो आप इसी फॉर्मूले से अपन चलेंगे ठीक है। आंसर देखो वॉल्यूम ही होता है, तो देखो पहले वॉल्यूम क्या था और अब क्या है ठीक है। पहले वॉल्यूम क्या था और अब क्या है वो निकालने के लिए देखो, पाई तो पहले भी आएगा अभी भी आएगा, रेडियस पहले कितनी थी अब कितनी है, स्क्वायर करोगे तो अब कितना पहले कितना, और एच, और आपका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच ठीक है। देखते चलो, अब ये बोल रहा है क्या कि त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या को 40% बढ़ाओगे तो 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, बोलो 2/5 होगा कि नहीं होगा। अगर पहले त्रिज्या 5 थी और यहाँ पे बढ़ाने की बोल रहा है तो 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा। तो मैं अगर कहूँ कि पहले अगर त्रिज्या 5 थी तो अब 40% बढ़ाने के बाद कितनी होगी, तो 5 का 40% 2 होता है, 40% बढ़ाओ 5 का, 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 ठीक है। पहले पाई का मान जो था वही रहेगा, अभी भी वही रहेगा, तो पहले त्रिज्या 5 थी, 40% बढ़ाने के बाद अब कितनी होगी, 7 होगी। तो पहले अगर त्रिज्या 5 थी, त्रिज्या का स्क्वायर करोगे तो कितना, 25, और अब त्रिज्या का स्क्वायर करोगे तो 49। अब हाइट देखो, ऊंचाई देखो, ऊंचाई 37.5% कम कर रहा है, 37.5% के लिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बोल के बताओ जरा। तो कल मैंने आपको बताया था 1/8 होता है 12.5%, 2/8 होता है 25%, 3/8 होता है 37.5%, तो ये हो गया 3/8। मैं कहूँ 8 का 37.5% कितना है, 3, 8 का 37.5% कितना है, 3 ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले ऊंचाई 8 थी, पहले ऊंचाई कितनी थी, 8, अब इस 8 का 37.5% कितना है, 3, और वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो देखो घटा रहा है, तो 8 का 37.5% घटाओ, 8 में से 3 जाएंगे कितने बचे, 5। अब देखो जरा वॉल्यूम कैलकुलेट करो, पाई इसमें भी है इसमें भी है, तो पाई का तो रोल ही नहीं है, हटा दो, क्योंकि पाई दोनों में आएगा तो वॉल्यूम काम करने की इसमें जरूरत नहीं है ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है 25, एच कितना है, 8, तो यहाँ पे हो गया
200, कितना हुआ यहाँ पे वैल्यू 200। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर एच को, तो यहाँ पे आएगा 245, मल्टीप्लाई कर लेगा ठीक। पहले वॉल्यूम था, अगर आप पाई लगाओ तो पाई इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आ रहा वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। तभी यहाँ पे पाई काम में मन नहीं ले रहा। देखो पहले आयतन था 200, 200, अब कितना हो गया 245 ठीक है, तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 45 यूनिट बढ़ा ठीक, कितने पर बढ़ा सर 200 पे बढ़ा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 45 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई 100, सर इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो ये 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंटेज में आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है परसेंटेज में, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 45/2, इसका मतलब हुआ 22.5% ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर आप बेलन के त्रिज्या 40% बढ़ा देते हो और ऊंचाई इतने परसेंट घटा देते हो तो उसका जो वॉल्यूम है आयतन है उसमें 22.5% की वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट कैसे पता चला, देखो पहले 200 था फिर बढ़ के इतना होगा, या फिर यहाँ पे आंसर देखो किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, आगे ही बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, देखो एक आदमी प्रत्येक माह है अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल बाद में वह एक कार खरीद सके, कुछ बचत की और उसने ये सोचा कि एक साल बाद अपन क्या कर लेंगे कार खरीदेंगे, तो ज्ञात करो उसे अपनी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी कि वह उस कार को 9 महीने में खरीदे। ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, पहले आप कार खरीद रहे थे एक साल में मतलब 12 महीने, 12 महीने में 12 महीने ठीक है, अब आपने मूड चेंज कर लिया और कितने महीने में खरीदने का डिसाइड कर लिया 9 महीने। ये आपने सोचा कि पहले हम कार मतलब 12 महीने में खरीद लेंगे ताकि पर मंथ सेविंग हो, 12 महीने में उतनी सेविंग हो जाए कार खरीद लेंगे। अब आपने सोचा कि भाई पर मंथ सेविंग इंक्रीज कर दे ताकि कार 9 महीने में खरीदी जा सके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी वैल्यू कंसिडर की वो जो 12 से भी कंसिल हो जाए और 20 से भी कंसिल हो जाए 9 से, तो इनका एलसीएम आया था 36। 36 को 12 से डिवाइड किया आंसर मिला 3, 36 को 9 से डिवाइड किया आंसर मिला कितना 4। इसका मतलब क्या है, ये निकालने का मतलब क्या है, ये निकालने का मतलब ये है कि पहले आप कोई भी जो चीज खरीद रहे थे वो खरीद रहे थे 36 रुपये, मतलब उस चीज का जो भी चीज आप खरीद रहे हो, यहाँ पे कार की बोल रहा तो अपन मान लेते हैं कि कार का मूल्य है 36 रुपये, वैसे एक्चुअली में इतना होता नहीं है, मान लेते हैं मैथमेटिक्स से मान के चला कि भाई उस कार का मूल्य है 36 रुपये, अगर 36 रुपये है तो हम एक महीने के अगर 3 रुपये बचत करें तो 12 महीने के कितनी बचत होगी 36, मतलब अपन वो कार खरीद लेंगे ठीक है। अब आपने डिसाइड क्या किया कि कार 9 महीने में खरीदनी है, यस और नो, तो 9 महीने में खरीदनी है तो आपको कितनी बचत इंक्रीज करनी पड़ेगी, पहले आप 1 महीने का 3 रुपये बचा रहे थे, अब 1 महीने का कितना रुपया बचाना पड़ेगा 4 रुपये, अगर 1 महीने का 4 रुपये बचा रहे तो 9 महीने के कितने हो गए 36 रुपये, या सर 9 महीने के 36 रुपये हो गए तो 36 रुपये में आप क्या कर लोगे कार खरीद लोगे, समझ आया कि नहीं है, आगे बात समझ। तो आप पहले 12 महीने में कार खरीदने की सोची, अब 9 महीने में सोची, तो 12 महीने की सोची तब तो महीने के 3 रुपये बचाते थे, और जब 9 महीने में कार खरीदने की सोची तब तो महीने के 4 रुपये बचाने लगे, तो आपने इस बचत में कितना इंक्रीमेंट किया 1 रुपये, किस पे किया इस पे 3 रुपये पे, और मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि आपको निकालना किसमें है परसेंटेज में निकालना है ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे इसका तो आपको आंसर मिलेगा 1,00,000, यस सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो तो मतलब 3/5 के स्थान पर 7/4 से, मतलब उसको गुणा करना चाहिए था किसी संख्या को 3/5 से, कर किससे दिया 7/4 से, अगर वो 3/5 से गुणा करता तो आंसर उसका सही आता,
बट 7/4 से उसने गुणा कर दिया तो उसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आंसर और उसमें लिखेंगे करेक्ट, करेक्ट नंबर क्या होना चाहिए था और रॉन्ग क्या कर दिया उसने। ठीक, अब देखो किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन, मतलब उसको करेक्ट नंबर 3/5 से उसको गुणा करना चाहिए थे किसी संख्या को। आ गई क्या बात समझ में भाई, कोई संख्या है उसको किससे गुणा करना चाहिए था 3/5 से, बट कर किससे दिया 7/4 से, किसको कर दिया किसी संख्या को, किसी संख्या को गुणा करना चाहिए था 3/5 से, कर दिया उसने 7/4 से, तो आंसर गलत आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा। तो यहां पर एक ऐसी संख्या मानो जो 5 से भी डिवाइड हो और जो किससे डिवाइड हो 4 से, तो यहां पे मैंने माना कि 20 वो संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या मान ली 20, तो यहां से इसको कैंसिल करूंगा, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 3 जा होगा 12। ठीक है, यहाँ पे ये 5 टाइम कैंसिल होगा, यहाँ पे आंसर आएगा 5 × 7 = 35। ठीक है, अब देखो अगर वो 12 को 3/5 से गुणा कर लेता, ठीक है, मतलब किसी संख्या को 3/5 से गुणा करता तो उसका आंसर ये आता, किसी संख्या को अगर वो 3/5 से गुणा करता तो आंसर क्या आता 12 आता, बट वो इस संख्या को 3/5 की वजह किससे गुणा कर रहा है 7/4 से, तो आंसर उसका आ रहा है 35। उसका आना चाहिए था आंसर 12, बट आ कितना आ रहा है 35, तो आंसर क्या आ रहा है गलत आ रहा है। कितना गलत आ रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा था। ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़ गया, मतलब 18, 19, 20, 23 बढ़ गया। ये सब अब ये जो वैल्यू बढ़ी है भाई, आना चाहिए था आंसर 12, आ 35 रहा है, तो कितना आंसर इंक्रीज हो गया 23, और ये जो 23 इंक्रीज हो गया कितने पे हुआ 12 पे, कितने पे हुआ 12 पे, और परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो ये 100 हो। ठीक है, अब आपके पास एक तरीका तो ये है 23 × 100 2300। ठीक है, और इसको आपने कर दिया 12 से डिवाइड। ठीक है, सोल्व करो इसको, कई दर करते रहो। ठीक है, परसेंटेज में आंसर निकालना। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे, ये तो परसेंटेज इसका तो कोई मतलब नहीं, इस 23/12 को आप क्या लिख सकते हो, इसको ये ऐसे लिख सकते हो 2 − 1/12, ये 12 × 24 में से 1 जाएगा 23, 23/12 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इस 2 का मतलब कितना है, इस 2 का मतलब है 200% भाई, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, और 1/12 के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होता है कितना 25%, और 1/4 का आधा 1/8, 8 होता है कितना 12.5%। ठीक है, और 1/12 कितना होगा, तो 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बोलो 37, सॉरी 1/12 निकालना है ना, 1/12, तो 1/12 से आपको पहले पता होना चाहिए 1/6, 1/6 कितना होता बोलो, 1/6 बोलो, 1/6 होता है आपका 16 × 2/3%, और 1/12 निकालना तो इसका आधा करना होगा 8 से 1/3%, तो 1/12 के लिए वैल्यू होती है 8 से 1/3%। अब घटाओगे इनको, मैंने कहा था कि जब घटाते हो तब इसको 1 बढ़ाकर घटाना, तो 1 बढ़ाओगे तो 8 का तो बन जाएगा 9, 9 घटा दो 200 में से तो मिलेगा 141। ठीक है, और यहां पर देखो ये 1/3 है, उस 1/3 को 1 में से घटाओ, 1 − 1/3 करोगे तो एलसीएम 3 आएगा, 3 − 1 आएगा 2/3, 191 से 2/3% आदि का बात समझ में, बोलो यस और नो, कर लोगे। एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर
तीन बटे पांच से गुणा कर देता है। कर देता परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करो, परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करो, ठीक है। यहां पर देख एक संख्या को पांच बटे तीन के स्थान पर इससे गुणा कर देता, वही बात, एक तो करेक्ट नंबर लिखना होगा और एक रॉन्ग नंबर। करेक्ट नंबर पांच बटे तीन से गुणा करता हूं किसी संख्या को तो कुछ आंसर आता, ठीक है, और तीन बटे पांच से गुणा कर देता है, करना इससे चाहिए था बट कर इससे लेता है इस संख्या को। यहाँ पे ऐसी संख्या जो तीन से भी डिवाइड हो जाए पांच से भी डिवाइड हो जाए, यहाँ पे आप लोगे पंद्रह, तो इसको इससे कंसिडर करोगे फाइव फाइव और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, इसको करोगे थ्री टाइम थ्री थ्री जा नाइन, आंसर आना चाहिए था ट्वेंटी फाइव, आ कितना गया नाइन। त्रुटि आ रही है कि नहीं आ रही बोलो, ये सॉल्व, अब इस त्रुटि को कैसे सॉल्व करोगे बोलो। तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू कितनी कम, देखो आंसर आना चाहिए था 25, आ कितना रहा है 9, तो कितनी वैल्यू कम होगी, आप कहोगे कि सर 16 कम हो गए, भाई पहले आना चाहिए था 25, 25 ना आके 9 आ गया आंसर, तो इतनी वैल्यू कम आ गई, ठीक, कितनी वैल्यू कम होगी, कम होगी मतलब माइनस, किससे कम हुई 25 इंटू में क्या कर देना 100, कैंसिल कर, ये इससे कैंसिल होगा फोर टाइम और यहाँ पे आएगा 64%, मतलब परसेंटेज त्रुटि कितनी है 64%।